प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत सुबह के 6 बजे से हो रही है। उठ चुकी हूँ मैं सुबह के 4 बजे, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर और मैंने सारी कुछ तैयारियां कर ली है। खाना जो है मैं बना के लेके गई हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं, बिंदी लगानी है और अब मैं आपको मिलती हूँ रास्ते में। तो दोस्तों हो चुके हैं रेडी, अब निकलने की हो गया है, निकलने का हो गया है टाइम। जल ले ले, चिप्स ले ले, एक दही का पैकेट ले ले आपको। तो दोस्तों निकल रहे हैं, अब रास्ते में से हमने लेना है अपने साथ, हमारे साथ एक और जा रहे हैं, वो है सरप्राइज, आप लोगों को दिखाएंगे आज हमारे साथ कौन जा रहा है। तो इधर जो है गाड़ी निकल रही है, रुक जा करो। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम सुबह सुबह का, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आज जो है मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, क्योंकि रात हल्की फुल्की बारिश हुई थी तो उससे मौसम और ज़बरदस्त हो गया। तो आज करेंगे हम भोले बाबा के दर्शन और आप सभी को भी कराऊंगी। और बच्चे भी बैठ चुके हैं गाड़ी में। गुड मॉर्निंग पीठी को थोड़ा बुरा लग रहा है स्टेला के बिना, बस स्टेला परेशान हो जाती है, मंदिर में जाने नहीं देते। तो बस अब हम निकल रहे हैं, रास्ते में से हमने करना है किसी को पिकअप और आपको दिखाएंगे कौन है। जय हो भगवान जी। तो दोस्तों आज मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है, यानी कि बारिश के बाद जो अच्छा सा मौसम होता है, हल्का धूप हल्का छाँव, वही मौसम है। जाना है हमें जागेश्वर, तो हम सोच रहे हैं वहाँ बारिश ना हो और मौसम का व्यू इतना अच्छा। और ठंड दोस्तों इतनी ठंड हो रही है सुबह सुबह, मतलब अच्छा लग रहा है। आप कभी भी घूमने जाएँ तो मैं आपसे ये कहूँगी आप सुबह टाइम से निकलें तो घूमने का मज़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भीमताल, और भीमताल में भी सुबह टूरिस्ट, दोस्तों इतना टूरिस्ट है आपसे मैं क्या ही कहूँ कि सुबह सुबह इतना जाम मिल जाएगा, हमने सोचा नहीं था। तो दोस्तों हमने कर लिया है भवाली क्रॉस और हम सोच रहे हैं नीम करोली बाबा भी जाएं, तो देखते हैं सुबह सुबह कैसा रहता है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कैची मंदिर, लेकिन कैची में इतनी भीड़ है, इतना जाम है कि हमें जागेश्वर जाने में लेट हो जाएगा, इसलिए जो है कि हम जा रहे हैं हम सीधे जागेश्वर। वापसी में जो है बाबा जी के दर्शन करेंगे। जय हो नीम करोली। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने, नहीं नहीं दाल चावल नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं इधर एक स्टॉप में, यहाँ से जो है बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर पहले। तो ये हस्बैंड, इधर जो है हम पियेंगे चाय और इधर से जो है सामने दिखाई दे रहा है हिमालय। इधर ही बुला लो ने, इधर ही बुला लो, यही बुला लो ने। तो दोस्तों साथ में आई है मौसी और आशी और अब हम लोग यहाँ बैठ के पियेंगे चाय। अच्छा बना रखा है उन्होंने बैठने वाला। तो कैसा लग रहा है आपको मौसी, घूमने में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है, यहाँ से जो बर्फ भी दिख रही है। अक्षत को तो लग गई है भूख, इसके लिए बनवाई हमने मैगी, लेकिन मैगी में प्याज और टमाटर इतना ज़्यादा डाल दिया कि अक्षत खा ही नहीं पाया, तो लास्ट में जो है ये सब मुझे खानी पड़ी। दोस्तों पार्किंग में होती है ना फुल, लग रहा भगवान से कह के आई थी। यहाँ तो नाम लिया मिंकी आंटी को, यहाँ पे रोक लेते हैं ना मोदी, यहाँ रोक के यहाँ भरवाते हैं, यहाँ से बस में जाते हैं। आज आज है ही नहीं ना क्राउड, नहीं है भीड़ नहीं है, तो सब उधर ही है कैची में। हाँ जैसे ठीक है, हमको इधर आना है ना, सब कैची में शॉर्ट भी बनाना है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब जो है जागेश्वर रोड। तो दोस्तों इस रोड में जाते इतना सुकून, मतलब वाकई में भोले बाबा यहाँ पर हैं, इतनी शांति इतना सुकून मिला रास्ते पर। भगवान का वास भी अच्छी जगह में होता है ना, ये देखो देव, ये देखो हाँ, ये देखो वृक्ष कितने बढ़िया है, मिट्टी पर तो नहीं। ज़्यादा जाम लगा है, हम सोच रहे थे रास्ता खा लिए पर।
यहाँ से जो कि हम निकलेंगे पैदल। कैसा लग रहा मिठी अक्कू? पीछे से आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास। यहाँ जो है मैंने ले लिए प्रसाद की टोकरी और प्रसाद लेके अब हम लोग जाएंगे सीधे, पहले दर्शन करेंगे, हाथ पैर धोने के बाद। मीठी और मीठी के पापा चल दिए, मौसी आ रही है पीछे से। फ्रॉडी मतलब उन्होंने हमें बोला कि बहुत भीड़ है, अब गाड़ी ऊपर लगाओ, इसलिए हम गाड़ी बहुत ऊपर लगा के अब आए हैं इधर। बहुत पैदल चल के आए हैं तो बोले बाबा चाह रहे होंगे ना आज हम पैदल आए। जगह बहुत है और इन लोगों ने हमसे कह दिया कि यहाँ जगह नहीं है, तो मंदिर के अंदर चलते हैं। वहाँ तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि जो है हम मंदिर आए हैं तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, तो शांतिपूर्वक पूजा करेंगे। ब्लॉग थोड़ा कम बनाएंगे मंदिर के अंदर। बाहर का नज़ारा आप लोगों को हमने दिखा दिया है, यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। इधर जो है खाने वाने के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, पर जो है हम खाना घर से बना के लाए हैं, हम रास्ते में बैठ के खाएंगे, अभी चलते हैं। तो दोस्तों ये है मंदिर, लाए हैं बैठने के लिए पकड़ने बेटे से। तो अभी जो है हमने एंट्री कर ली है मंदिर में। मुख्य द्वार जय हो बेटी। हम तो दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत अच्छे से हमने पूजा पाठ की और बहुत सुकून है, बहुत मज़ा आ गया। मौसी लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन किए। बंदर जो है अटैक कर रहे हैं प्रसादों के ऊपर, इसलिए प्रसाद की टोकरी हमने हटा दी है। और इधर जो है जगह जगह आरती पूजी जा रही है, देखिए। अब करनी है ना बेटा। उधर वाले से पीना ऊपर को करो, ऊपर करो ना ऊपर, हाँ बस इतना ही आएगा। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहली बार हमने कार यहाँ पार्क में लगाई थी, इस बार हमारी गाड़ी बहुत दूर। और अक्षत ने लिया अपने लिए बम बैग जो है मीठी का है वो। तो दोस्तों यहाँ का व्यू कुछ ये है और अब हम लोग खाएंगे खाना यहाँ पे बैठ के। ये है हमारा पिकनिक स्पॉट। अरे वो उधर जगह भी थोड़ा लेते हैं, फोटो खींचे थी ना कैसे आ जाए। भूख लग गई होगी यार, बजरी की वही ले आते। अरे यार किनी लाए हम देख लो। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा खाना, कैसा लग रहा आशी पिकनिक हमारी? करो स्टार्ट है मौसी, मजेदार पिकनिक। स्पॉट देखो जरा उधर कितना अच्छा, क्या बढ़िया। अरे वो भी आ गई। तो आज मौसी को भी हमने खूब मजे कराए अपने साथ। पर यहाँ का देखो साफ सुथरा, मुझे लग रहा बारिश से धुल गया है यहाँ। तो यहाँ हमारा हो चुका है खाना, बाकी सब कुछ पैक कर लिया है, अब निकले। अब कहाँ जाना है मौसी? कर लो
अब कहाँ कुछ रहे, कुछ खिला दिया पहले, हिले कैसे, मजा आ गया यार। खाना बहुत जबरदस्त हो रहा था, खाना जबरदस्त हो रहा था पहले। यार अखरोट गिरा है नीचे देखो ये। अरे टूटा है। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, सब कुछ समेट के अब हम लोग जा रहे हैं चितई मंदिर। यहाँ का व्यू जबरदस्त। तू मेरे साथ बैठ रहा है? अरे यार आगे बैठ जा तू, मैंने बहुत खा रखा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चितई गोलू और अब यहाँ जो है भगवान जी के दर्शन करके फिर निकलेंगे हल्द्वानी को। पहले चलते हैं मंदिर, इधर भी गए हैं गाड़ी पार्क में लगाने। जय हो चितई गोलू। तो यहाँ से हम लेंगे प्रसाद। सो गाइस मैं जस्ट अभी भी नींद से उठी और मेरे को वैसे मंदिर लिया है। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं हल्द्वानी को। तो अंदर जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ अच्छे से पूजा पाठ करूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पूजा पाठ की। अब हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी को। तो दोस्तों पहुंचते पहुंचते हमें हो चुकी है रात, हम पहुंच चुके भवाली क्योंकि इतना जाम था कि हम लोग 1.5 घंटा जाम में फंस गए और हमारा रोड भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया था। हमें रामगढ़ के रास्ते आना पड़ा क्योंकि कैची वाली रोड में इतना जाम था कि उन्होंने बोला अगर आप जाओगे तो 3 घंटे फंस जाओगे, तो इसलिए हमें इतना घूम के आना पड़ा हल्द्वानी को। तो ये अभी हम पहुँचे हैं भीमताल। दोस्तों पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और यहां से मैं लेती हूं थोड़ी सब्जी, घर जाके बनाऊंगी खाना क्योंकि बहुत थकान हो गई, बहुत रात हो गई और जो है मौसी को हमने उतार दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो दोस्तों अब जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई। अब इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया, बोले बाबा किसी दर्शन हुए। दोस्तों स्टेला की आते खुशी देखिए, इसको नहीं ले गए तो हम कितना दुखी हो रही है। गुड्डा गुड्डा मम्मा नहीं ले गई थी, मम्मा ने प्यार नहीं करा ना बाबू को, दिखा पूरा नोज होती है मेरे का, दिखा कहाँ नोच है। और ये नहीं कि मैं शीशे से अंदर डाल दूं, नहीं तो ये देख लो पापा, ये लो पापा, ये ले ले लो। स्टेला की खुशी देखिए आप, क्या तो स्टेला के पापा आ गए, स्टेला के पापा मत करो से।